अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ जिम सिमुलेटर। और जैसे कि तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने खोला था अपना दूसरा जिम और उसके अंदर एक पूल भी खोला था, और उसी के साथ साथ मैंने अपनी पूरी जिम प्रॉपरली अरेंज कर दी थी। तो आज अपन और नए नए इक्विपमेंट्स लेके आने वाले हैं अपनी जिम में, सो लेट्स गो। आजा बड़ी जिम चलते हैं। गाइस रात हो रखी थी तो मैं सोने आया था, और ये कलुआ एक कलुआ गाइस इतना काला हो रखा था कि आदमी दिख भी नहीं रहा था अगल बगल में। चलो भाई, ये लोग आके जिम क्यों नहीं खोलते, अंदर चले जाते हैं, जिम नहीं खोलते। भाई कोई बात है तुम लोगों की, जिम भी तो खोल दिया करो। किस बात के लिए लगा रखा है साढ़े तेरे को। चलो कोई बात नहीं गाइस, आज मुझे ये देखना है कि अपन क्या कुछ नए इक्विपमेंट्स इसके अंदर रखवा सकते हैं अपनी जिम में। अपने पास $21,000 है अभी, तो शायद अपन कुछ तो रखवा सकते हैं। बट यार मैंने सारी चीजें रखवा रखी हैं लगभग। ये देखो कितने सारे इक्विपमेंट्स अपनी जिम के अंदर, सारे भाई लाइन से लगे हुए। और ये देखो तुम यहाँ पे देखो, ये अपनी सबसे हाई लेवल वाली लैट पुल डाउन है। और ये देखो, अरे डॉगी डॉगी नहीं, नागू है, नागू नागू, अरे मैं खुद नाम भूल जाता हूँ भाई। इधर भाई इधर, भारा भारा भारा, अरे नागू, अरे नागू किधर रह गया, आ गया आ गया नागू, आ गया गाइस इधर इधर बैठ, खाना पीना खा ले, इधर बैठ जा। ओके अभी गाइस देखते हैं अपनी जिम के अंदर जो जो आइटम नहीं है वो भरवाते हैं। पहले तो अपना कैंटीन का आइटम, जैसे अपने कैफे का, कैफे में सब कुछ है। ओके ये नहीं है, ओके मेरे पास रखा हुआ ये आइटम मैंने फिल तो कर दिया है। बाकी गाइस अभी अभी सुबह हुई है इसलिए लोग बाग, ओके सुबह क्या शाम होने लग गई है मतलब, और लोग बाग डायरेक्ट मेंबरशिप लेने आए, वो भी वीआईपी। लोग एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे भाई, मेंबरशिप बहुत ले रहे हैं। आया करो जिम में, आया करो, थोड़ी भरी भरी लगे जिम। हाँ ज्यादा भी मत आया करो कि ऐसी एकदम फुल हो जाए कि लोग बाग देखें कि अरे अरे क्या चल रहा है। चलो अभी अपन इसको भर देते हैं। इसके अंदर आइटम ऐड करने हैं बट ऐड हो ही नहीं रहे, क्या ये मेरे पास है नहीं, इन इन्वेंटरी 15 है तो सही। ओके ओके ये चीज खाली हो रखी है ना, तो जिसमें ऐड का ऑप्शन आ रहा है वो ही अपन डाल सकते हैं इसमें। बाकी ये जो एरिया खाली है यहाँ पे क्या रखना है भाई, मुझे कोई बताएगा? यहाँ के लिए शायद कुछ नए आइटम्स लाने पड़ेंगे। बाकी अपना टीवी चलवाएं क्या? ओके अपन गाइस टीवी के अंदर है ना अपनी वीडियो चलवा सकते हैं, पता है? तो इसके अंदर URL डालनी पड़ती है अपनी वीडियो की। तो एक सेकंड रुको, मैं कॉपी करके लेके आता हूं। ओके गाइस अभी मैं कॉपी करके ले आया हूं लिंक, इसको अपन डालते हैं इसके अंदर। और ओके कोई मेंबरशिप लेने आया, लो भाई मेंबरशिप लो। चलो भाई मेंबरशिप ही मेंबरशिप भेज दी है मैंने, बाकी लिंक लगी कि नहीं लगी? ओके वापस मैंने लिंक डाल दी, प्ले द वीडियो, लोडिंग आ गया और अपनी वीडियो चल चुकी है गाइस। ये देखो लेकिन यहाँ पीला पीला क्यों आ रहा है भाई, इतना पीला, ओ माय गॉड पीलापन, लेकिन भाई क्या सही लग रही है। और ये आराम से आधे घंटे की वीडियो होगी, तो बहुत देर चलने वाली। और जिम सिमुलेटर की लेके आया हूं, तो यहाँ पे जिम सिमुलेटर के अंदर जिम सिमुलेटर की वीडियो, जिससे कि लोग बाग जिम करते हुए दिखे, जैसे कि तुमने देखा होगा ना जिम के अंदर। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भाई क्या सही लगेगा। और जगह पे टीवी लगा रखी होगी मैंने, वहां पे भी आना चाहिए ये टीवी। ओके ये रही गाइस एक टीवी, ये रही सही है भाई, लोग बाग पूल में नहाते नहाते मेरी वीडियोस देखेंगे। अभी मेरे को इसके लिए सामान लाना था थोड़ा। और ये क्या है भाई यार, ये घटिया चीज है, लोग बाग काम नहीं कर रहे मेरे यहाँ के, कोई बात नहीं। और ये परफ्यूम छिड़कने के लिए भी कोई बंदा आता है क्या, जिसको मैं काम पे लगवा सकूं? हट जाओ भाई। अभी मेरे को सबसे पहले तो ये लेना है, ठीक है सारा सामान ले जाऊंगा मैं। ओके मैंने ये पूरी खाली करवा दी है, इसको बंद करो। अभी यहाँ पे अगर कुछ नया, ओके हाँ ये देखो ये नया आइटम है, इसको लेते हैं। ये आइटम शायद अपन रखवा सकेंगे अपनी मशीन में। और कुछ नया देख, ओके क्रिएटिन नया आया है यहाँ पे, ये भी शायद नया है, लेमन प्रोटीन केक। ओके ये ले लेते हैं, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, और सब मेरे पास है। ये शायद नया आया है चीज केक। ओके एक पैकेट चीज केक ले लिया अपन ने, लेट्स गो इसको रखवा के देखते हैं, क्या पता इसी आइटम की कमी हो और अपने पास नए कस्टमर आ रखे। हेलो गाइज, दोनों सेम सेम गाइज, दो जुड़वा भाई आए अपने पास, दोनों को मेंबरशिप बांट देते हैं अपन। ओके दोनों ने वीआईपी मेंबरशिप लिए, दोनों ऐसे अच्छे घराने के लगते हैं। अभी इसके अंदर अपने को देखो, एक जो नया आइटम लाए थे ना ये ऐड कर, अरे यार ये आइटम अपने पास पहले से था, एक पंप वाला। ओके ये देखो ये नया आइटम था, ये नया आइटम था मुझे पता था, ये भी नया आइटम है। और एक और आइटम लाया था मैं, एक और क्रिएटिन लाया था, क्रिएटिन कहीं, ये रहा। अच्छा क्रिएटिन अपने पास पहले से पड़ा था, क्रिएटिन नहीं देखो इधर ऊपर की साइड रखा हुआ है। अभी मेरी पूरी मशीन भर चुकी है, और इस मशीन का नाम क्या था, मैं नाम ही भूल गया भाई इस मशीन का, वॉटरिंग, एक सेकंड रुको, इस मशीन का नाम क्या था मैं नाम भूल गया, वेंडिंग मशीन गाइस। एक और लगाने वाला हूं मैं ये वेंडिंग मशीन, ठीक है एक और ले लिया मैंने, इस वेंडिंग मशीन को मैं लगवाऊंगा। ओके अबे यार ये कचरा नीचे क्यों फेंक के जा रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे एक ट्रैश बिन भी खरीदने दो, इसको मुझे लगाने दो यहाँ पे, एक सेकंड कहां गया ट्रैश, दो मेरे पास पड़े हैं, एक लगवा देता हूं मैं यहां पे, ठीक है डन। अब भाई कचरा उसमें डालना, ठीक है समझ में आ रही है तुम लोगों को? और एक डस्टबिन में अंदर लगवाऊं क्या, अंदर तो लगे हुए होंगे डस्टबिन बहुत सारे, हाँ अंदर डस्टबिन लगे हुए हैं सारे, जरूरत नहीं है डस्टबिन को लगाने की। बाकी हाँ इनको मैं सही कर रहा था, यहाँ पे लोग बाग पहले बहुत इकट्ठे हो जा रहे थे, तो मुझे ये ड्रेसिंग रूम भी बहुत सारे बनवाने पड़ेंगे, तो वो बनवाते हैं अभी, रुको पहले, उससे पहले मैंने एक वेंडिंग मशीन, अरे यार इनको भी कोई अपने आप मेंबरशिप देने वाला सिस्टम है क्या यार, इनको
उनको मेंबरशिप कोई दे दे यहाँ पे आके खड़ा होके। ये बहुत टाइम लगाते हैं भाई, एक तो आराम आराम से आएंगे, यूं नहीं एक साथ पैसा दे और चले जाए अपना काम करें। और कोई थोड़ी आया है? ओके, और कोई नहीं आया है। अभी एक मैं वेंडिंग मशीन रखवाने वाला था, चलो वो मैं रखवाऊंगा स्विमिंग पूल के पास में, जैसी कोई निकले तो ड्रिंक वगैरह आप खा पी सके। तो इसको मैं लगवाने वाला हूँ यहाँ पे, इस कोने में लगवा देते हैं इसको अपन, और एक डस्टबिन भी इसके बगल में रख देते हैं। ओके गाइस, ये देखो यहाँ खड़ा, लेकिन कुछ नहीं है इसमें, क्या लेके गई है? क्या पता गाइस क्या लेके गई, बट शायद अपन जितनी ज्यादा मशीनें लगवाएंगे ना उतना ज्यादा अपना आइटम बिकेगा। मैं सारा सामान ऐड करवा रहा हूँ इसके अंदर। लो भाई ऐड कर देता हूँ मैं सारा सामान, पियो तुम आराम से मस्त, प्रोटीन मिल्क, प्रोटीन शेक सब पियो भाई। अभी गाइस मैंने पूरी मशीन भरवा दी है, बट दो चीजों की कमी है, वो क्या है? एक यहाँ एक यहाँ, उस वाली मशीन में रखा हुआ था आइटम ये वाला, उस वाली मशीन में देख के आते हैं, क्योंकि अपने को भी आइटम और खरीद के लाने पड़ेंगे। देखो हाँ, BCAA और ये दूसरी कोई तो ड्रिंक है, ये सेम सेम है बट अलग अलग है, सेम सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी। मैंने आधे से ज्यादा सामान भरवा दिया है, बाकी अपने पास दो कस्टमर और आ चुके हैं, इनको देखते हैं ये क्या चाहिए भाई इन लोगों को। स्टैंडर्ड मेंबरशिप, लो भाई VIP मेंबरशिप। ओके गाइस, अपनी अभी लेवल 9 है, अगर अपनी लेवल 11 हो जाए ना तो अपन सेकंड फ्लोर खोल सकते हैं अपनी जिम का, बट अब जब तक नहीं हो रही जब तक अपन और काम करते हैं। बाकी जिम के अंदर फ्रंट साइड अपन ने दोनों का बनवा दिया ना, हाँ मैंने फ्रंट साइड दोनों का कांच वाला बनवा दिया था भाई, जो जबरदस्त दिखता है ना ये। और भाई 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 भाई, भाई, भाई कस्टमर, ये लो बेच दो, रस्ते का माल सस्ते में नहीं, महंगा माल है सस्ते में नहीं बेचूंगा। VIP मेंबरशिप भाई, VIP मेंबरशिप लेती $1,000 आता भाई, 1,000 VIP मेंबरशिप। अंदर से जो भीड़ निकल रही है वो भीड़ देखो, मुझे यहाँ पे वो लगवाने पड़ेंगे यार, ड्रेसिंग वाले ना और लगवाने पड़ेंगे मेरे को, बहुत सारे ड्रेसिंग बॉक्स खरीद के लाने। रुक जाओ शॉप में चलते हैं, और इसके अंदर लॉकर रूम में ये रहा, तो ये बॉयज लॉकर में तो बहुत सारे लगे हुए हैं, गर्ल्स लॉकर में लगवाना है मेरे को ये, ठीक है ये लेता हूँ थोड़े बहुत, चलो लेट्स गो। अरे अरे ये बात, ऐसे मारो चाटे दोबारा नहीं छेड़ पाए किसी। अभी मेरे को लॉकर रूम में लगवाने, 16 चेंजिंग रूम ले लिए मैंने, कब लिए भाई ये तो नहीं लिए थे मैंने। ओके डन, चलो अभी मैं इसको लगवा के आता हूँ फीमेल लॉकर रूम में, जहाँ पे कम लगे हुए ना थोड़े बहुत। एक हटना, मैंने मार दिया भाई, मैंने मार दिया, तू जा। अच्छा एक और है, ये बात, चलो ये लग गया एक और चेंजिंग रूम। देखो देखो देखो, ये कपड़े ऐसे फेंक जाते हैं जैसे, तो अरे इसको डालो पहले उठा के। डन, मैंने बहुत सारे चेंजिंग रूम लगवा दिए, थोड़े बहुत और लगवा देता हूँ, या फिर ये जो ये शायद स्टीम स्पा वगैरह वाला है ये कुछ, तो ये और लगवा देते हैं। लॉकर रूम भी तो लाया था मैं, रुक जाओ लॉकर रूम भी लगवा, लॉकर कैबिनेट भी लगवाने दो। एक यहाँ लग जाएगा, यहाँ कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 इस वाले में लग रखे हैं, इस वाले में भी 4 हो जाएंगे, सही है 5, 6, चलो मैंने सारे यही लगवा दिए, अभी और नए खरीदूंगा तो उधर लगवा दूंगा। बाकी इसके अंदर मैंने है ना अच्छे से जमा रखा है, ये जो चेंजिंग रूम वाला हिस्सा है इसके अंदर मैंने वहीं की वहीं लगवा दी जहां लगवाने थे। बीच में एक डस्टबिन रखा हुआ है, इधर का डस्टबिन कहाँ है भाई, एक सेकंड रुको, इधर का डस्टबिन कहाँ है गाइज, इधर तो डस्टबिन ही नहीं है, एक डस्टबिन लेके आना पड़ेगा मेरे को। हेलो गाइज, हेलो, बताओ क्या चाहिए मैडम आपको, स्टैंडर्ड मेंबरशिप। ओके ये लो एक डस्टबिन, चल आ जाओ, इसको मुझे रखवाना है बॉयज वॉशरूम में, इसको रखवा देते हैं, लेट्स गो अंदर कोई। ओके ये चलता ही रहता है भाई, स्पा वालों और खुलवाने दो मेरे को, क्या कर रहा है तू उधर, क्या कर रहा है गाइज, मेरे को स्पा वाले रूम और खुलवाने दो, स्पा रूम और खोल सकते हैं अपन, जिस जिम में जाके अपन लॉकर मेल में फर्स्ट फ्लोर, ठीक है सेकंड फ्लोर तो अपनी खुली नहीं ना, सेकंड फ्लोर कौन सी है गाइस, अभी स्पा रूम खुला हुआ है, सेउना क्या होता है इसके अंदर पता नहीं गाइस क्या होता है, रुक जाओ, और ये इसके पीछे खुल रहा है क्या, ओके दो खोल सकते हैं 10 में खुलेगा बट, और एक सेकंड स्पा रूम खोल सकते हैं और, ठीक है डन। लेकिन यार $10,000 लेगा ये भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा यार, $10,000 नहीं है मेरे पे, 48 तो टोटल है मेरे पास, इसको 58 दो एक बार रुको, और इसको लगवा देते हैं अपन इधर, ठीक है अब उधर की साइड वो आ जाएंगे रूम्स, रुको मेरे को खोल के आन दो, कोई बात नहीं भाई बहुत पैसा है अपने पास, बहुत पैसा है चलता रहता है इतना। एक अपन ये लगवा देते हैं, दो कैसे लग रहे हैं, एक लग जाओ ना, ओके एक लग रहा है ठीक है, 1,400 में 2, 10,000 में, वाओ चलो एक तो लगवाते हैं अपन, और एक लगवाते हैं अपन फीमेल वाले में, डन इधर भी लगवा दिया, इधर का भी ये बाथिंग वो स्पा वाला उठाना पड़ेगा, स्टीम बाथ या स्पा पता नहीं क्या है, अच्छा स्पा तो ये है ना, स्टीम बाथ है ये, स्टीम बाथ, ओके ये स्टीम बाथ है, तो ये क्या है फिर, एंड डन, चलो अभी बिल्कुल सही है, बाद में अपने पास और पैसा आएगा तो अपन और खुलवा देंगे, वैसे पैसा बहुत है अपने पास, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ पैसा अपन सेकंड फ्लोर खुलवाने में लगवा दें, क्योंकि अपनी लेवल 10 हो चुकी है, बस एक लेवल बची है, और लेवल 11 के लिए अपने को, अच्छा ओके इसमें पैसे नहीं बता रहे सेकंड फ्लोर कितने में खुलेगा। ओके ये डेक वेक बजने लग गए, मतलब रात हो चुकी है। हेलो बड़ी तू सो रहा है नागू, जिम में से भी सारे लोग चले गए, और ये सही क्यों नहीं करिए भाई किसी ने, यार ये गलत बात है यार, ऐसे सही किया करो।
चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए मैंने सही कर दिया। शायद अपने सारे वर्कर्स यहाँ से चले गए थे इसलिए ये सही नहीं हो पाई है। और भाई ये थोड़ा बहुत कचरा छोड़ जाते हैं वर्कर्स, क्या भाई कोई बात है इन लोगों। बाकी आज के दिन मैं चलता हूँ जिम को अपनी बंद करके घर पे, लेट्स गो। अरे जिम तो बंद हो जा, ओके जिम बंद हो गई। आजा आजा नागू नागू बाबू इधर आओ। और गाइस इसके अंदर मैं जाके आ चुका हूँ क्लब के अंदर। क्लब के अंदर अगर तुमने मेरे पिछले एपिसोड्स देखे होंगे तो यार यहाँ पे कोई मतलब नहीं जाने का, मतलब अपन कुछ नाच गाना नहीं कर पाते तो क्या मतलब है, अपन अपने काम धंधे पे फोकस करते हैं, घर पे बहुत सारा पैसा भिजवाना होता है गाइस। गरीबी में चल रहा था गाइस देख रहे हो, और आज मेरे पे इतना पैसा है ऐसी थोड़ी, छोटा मोटा आदमी थोड़े। ओके सुबह हो चुकी है, फटाफट चलते हैं अपन अपने जिम पे, आ जा बड़ी। और गाइस मेरे को थोड़ा बहुत सामान भी लेना था जैसे कि तुम लोगों को पता हो, और मेरे पास क्या नहीं है वो मुझे देखने दो एक सेकंड। मेरे पास ये सब आइटम है ठीक है, इनके अलावा कुछ लेना है मेरे को, एक तो ये शायद नहीं है मेरे पास, और ये है प्रोटीन, हाँ ये है। ओके डन, मेरे पास ये वाला प्रोटीन नहीं था, ये मैंने ले लिया है ठीक है। और ये कुछ नया है क्या? नहीं ये कुछ नया तो नहीं है ठीक है। मेरे पास ये नहीं था, BCAA नहीं था जो कि मैंने ले लिया है। चलो ये दो ही चीज नहीं थी, लेट्स गो अपन अपनी जिम खोलते हैं फटाफट से, सुबह वाले लोग भी तो आते हैं। अरे कांगे भाई मेरे, ए? भाई वर्कर्स कहाँ है मेरे सारे? नागू इधर आ, तू इधर आ, इधर अंदर नहीं आते, अंदर आ, इधर इधर 12:30 बैठ जा भाई, बैठ जा नीचे बैठ जा ठीक है। प्यारी प्यारी कर दी गाइस इसको मैंने, अभी फटाफट से अपन कुछ और देख लेते हैं। बाकी ये देखो गाइस अपना जिम सिमुलेटर चल रहा है इसमें, और वो इसमें चाटे मारता हुआ दिख रहा हूं मैं, छोड़ो लोग भाग भाग जाएंगे भाई ऐसे मत करो। बाकी कस्टमर आने लग गए अपने। अरे यार नागू अंदर कैसे आ गया? अरे नौकरो नागू को कोई बाहर छोड़ के आओ, इधर इधर मेरे साथ मेरे साथ, बाहर बैठ जा इधर। ओके गाइस इसको मैंने अपने खाने के पास छोड़ दिया, अभी सही लग रहा है आदमी। डन, अभी क्या चल रहा है भाई? रुक जाओ मेरे को देखने दो, मेरी यार 11 लेवल कब होगी? ओके आगे एक्सपी लिखी हुई आ रही है ना, 77 एक्सपी हो गई है, 14450 एक्सपी चाहिए, उसके लिए मुझे और बहुत सारी चीजें लगवानी पड़ेगी यार, रुक जाओ। गाइस एडवर्टाइजमेंट मुझे लगवाना चाहिए कि नहीं, क्या कहते हो बताओ? एडवर्टाइजमेंट लगवाऊं? एडवर्टाइजमेंट से यार कोई फायदा नहीं होता, मुझे नहीं लगता कोई फायदा होता है इससे, बट ठीक है मैं ये वाला एडवर्टाइजमेंट लगवा रहा हूँ दोबारा से एक। और थोड़ा बहुत शॉप का आइटम खरीदते हैं, दो वेंडिंग मशीन और खरीदी है मैंने, और पूल चेयर खरीदी है दो, दो एयर कंडीशनर खरीदा है, एंड डेकोरेटिव आइटम मुझे नहीं लगवाने हैं, दो शावर कैबिनेट खरीद लेता हूँ। ओके ये शावर कैबिनेट है, नॉर्मल शावर ले सकते हो तुम यहाँ पे, चलो लेट्स गो। इसको मैं रखवा के आता हूँ, एक शावर कैबिनेट को यहाँ रखवाते हैं, एक रखवाएंगे अपन गर्ल्स वाले में। डन, एक शावर कैबिनेट मैंने गाइस यहाँ रखवा दिया है, एक गर्ल्स वाले में रखवा देता हूँ इसी के जस्ट बगल में। और ये पता नहीं ये करते क्या है लोग इस सीट के पीछे, या तो ये सीट मैंने गलत लगा रखी है। ओके डन, मैंने गाइस दूसरा शावर कैबिनेट भी लगवा दिया है, और इसको मैं क्या है इन्वेंटरी में लेके देखता हूँ, शायद मैंने इसको तो कुछ तो गलत लगवा रखा है। लॉकर रूम इसको थोड़ा बीच में लगवा देता हूँ यहाँ पे ठीक है, इधर की बेंच भी मैं बिल्कुल बीच में लगवा देता हूँ क्योंकि ये इसके पीछे खड़े हो जाते हैं लोग बाग, पता नहीं पीछे खड़े होकर करते क्या है। ओके ये तो था ही उल्टा, इसको ऐसे लगवा देते हैं। डन, अब ये लोग पीछे खड़े भी होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई थोड़े बहुत कस्टमर आ रखे हैं, इनको अपन निपटा लेते हैं। स्टैंडर्ड मेंबरशिप लो मैम, आप लो स्टैंडर्ड मेंबरशिप, नेक्स्ट VIP मेंबरशिप, बिल्कुल सर। अभी अपनी एक एक करके एक्सपी बढ़ रही है, बस मेरे को 11 लेवल का इंतजार है, मेरे को अपनी सेकंड फ्लोर खोलनी है, और मेरे को ये भी नहीं पता गाइस उसमें कितने रुपए लगने वाले। मैम हट जाओ आप, थोड़ा बहुत मैं इसमें सामान भर देता हूँ, और मैं दो चार वेंडिंग मशीन और लेके आया हूँ तो वो भी मेरे को रखवानी है यहाँ पे। लेट्स गो, इधर की मैंने पूरी मशीन फिल कर दी है। अभी एक मैं उस जिम के अंदर तो रखी हुई है वेंडिंग मशीन, इस जिम में मैं रखवाने वाला हूँ, मतलब यहाँ पहले अलग अलग थी, मैंने बीच दीवाल तोड़ के एक कर दिया, बट फिर भी इधर वाले लोगों को आराम से एक्सेस हो जाए। बट यार रखूंगा कहाँ यार? नहीं यार, यार रखने की जगह ना अच्छी सी है नहीं, कहाँ रखा जाए मुझे समझ नहीं आ रहा। बाकी अरे यार ये अपने पास प्रोटीन पाउडर और ओके वाटर नहीं अपने पास, रुक जाओ गाइस एक बार। अरे यार यहाँ पे कस्टमर भी कितने सारे, मेरे को कितना काम है गाइस देख रहे हो तुम लोग कितना काम है। बाकी इन लोगों को मैं मेंबरशिप बांट के मेरे को वाटर बोतल लेके आनी है भाई, वाटर बोतल लेके आता हूँ मैं, लेट्स गो फटाफट चलते हैं वाटर बोतल लेने। मुझे यार वाटर बोतल चाहिए, कहाँ गई? पूरा पैकेट खरीद लूं क्या? ये लो दो पैकेट खरीद लिए, वाटर बोतल काम आती रहती है यार, प्रोटीन शेक नहीं बन रहे बताओ। इसके अंदर भी मैं सामान भरवा देता हूँ, बट इससे पहले मेरे को इसके अंदर ये डालना, रिफिल मैंने कर दिया है। भाई तू लेके आती थी ना, खुद लेके आती थी ये औरत, अब क्यों नहीं लेके आ रही मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, पहले ये सामान भरवा देते हैं अपन इसके अंदर। ओके मैंने पूरी वेंडिंग मशीन भरवा दी है, अभी मेरे को दो वेंडिंग मशीन और खरीद रखी है यार, इनको मैं कहां लगवाऊं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। देखो एक सेकंड रुको, अगर मैं इसे बाहर लगवा सकता हूँ तो बाहर लगवा दूंगा भाई, बाहर वाले लोग भी खरीदेंगे फिर। नहीं बट मैं बाहर लगवा नहीं सकता। ओके ओके कोई बात गाइस, इस मशीन को मैं क्या कहता हूँ छोड़ते हैं, सेकंड फ्लोर पे लगवाएंगे। इन कस्टमरों को मैं मेंबरशिप बांट देता हूँ, और इतनी जल्दी जल्दी मेंबर्स आ रहे, शायद इसका मतलब अपना एडवर्टाइजमेंट वर्क कर रहा है। सही है भाई, लेट्स गो, मुझे इधर देख के आने दो भाई क्या। ओके इधर का सामान बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है यार, सही है अपना विटामिन बार बहुत बढ़िया चल रहा है, विटामिन मिलते हैं गाइज यहाँ पे, आइए आप लोग भी और मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया शेक पीजिए। अभी गाइज क्यों ना अपन अपनी जिम में थोड़ी बहुत मशीनें और लगवाएं। और क्या यार इधर की जिम कोई यूज नहीं कर रहा क्या, मतलब इधर कोई आता नहीं, इधर आ नहीं पाता या फिर क्या? एक सेकंड गाइज मुझे देखने दो, ये इधर की साइड गया और
और इसके चाटा पड़ेगा साढ़े। एक्सरसाइज कर ले। तू किधर जा रहा भक्ता हुआ? ओके, मुझे गाइस क्या लग रहा है ना, ये लोग पीछे की जिम तो एक्सेस कर ही नहीं पा रहे, मैं तो जा पा रहा हूँ यार आराम से। मुझे ये समझ नहीं आ रही ये लोग क्यों नहीं आ पा रहे। रुक जाओ, देखने दो, अभी थोड़ी देर मुझे रुक के देखना पड़ेगा वहाँ पे कि लोग बाग एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अंदर की साइड, वरना यार ये तो बेंच प्रेस की कमी हो रखी होगी फिर तो आधे से ज्यादा। हाँ भाई, तू क्या करने जा रहा है? भाई ये लोग नहीं जा पा रहे हैं शायद अंदर। जा रहे हैं यार, जा रहे हैं, क्योंकि हाँ मैंने ये वाली मशीन सही करी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, तो जा तो रहे हैं यार अंदर, बट पता नहीं लोग कम है या फिर मशीन ज्यादा है। आधे लोग तो पूल में घुसे पड़े रहते हैं। यहाँ पे कौन छेड़छाड़ी कर रहा? कोई तो छेड़छाड़ी कर रहा। पकड़ो साड़ी को, कहाँ गया वो आदमी? ये रहा। अरे ये भी गुस्सा के पड़ गया चाटा। भाई मैं डर गया, इसको क्या पड़ा, क्यों पड़ा? ये शायद वेट कर रहे हैं। नहीं, वेट कोई भी नहीं कर रहा, सारे खाली। ओके गाइस, ये देखो दो शावर क्यूब लगवाए थे, दोनों शावर में लोग नहा रहे हैं। मुझे देखने दो, कुछ और लगवा सकते हैं क्या? ओके एसी लगवा सकता हूं मैं, एसी लगवा दूं क्या? एसी एक नाम है गाइस, एक चेंजिंग रूम में लगवाना चाह रहा हूं, क्योंकि चेंजिंग रूम में गाइस चेंज करते करते बड़ी गर्मी सी हो जाती होगी। एक एसी गाइस मैं यहां लगवा देता हूं, ठीक है, और एक एसी मैं लगवाने वाला हूं बॉयज लॉकर रूम में। बहुत पैसा गाइस हमारे यहां पे, आइए आपको लॉकर रूम में भी मिलेगा। ये देख, सही है भाई, डन। ये और लगवाऊंगा मैं शावर वाले, क्योंकि लोग बाग बहुत ना रहे हैं भाई, गर्मी खैर इतनी पड़ रही है, क्या करेंगे भाई। बाकी अपने पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, 55,000। बस मुझे देखना है यार सेकंड फ्लोर कितने रुपए में खुलती है, मुझे और थोड़े बहुत रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे, शायद फिर अपना काम हो जाएगा। बाकी ये लोग चेंज कर रहे हैं और स्विमिंग पूल में दिख रहे हैं, बस मुझे नहीं पता ये लोग कहां पे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक्सरसाइज करता हुआ तो कोई मुझे दिख नहीं रहा है भाई, या फिर इन वाली मशीनों पे एक्सरसाइज कर रहे हैं ना ये लोग। ऐसी मशीनें और लगवाऊंगा, बट ये देखो तीन मशीनें यहाँ पे हैं और एक मशीन वहाँ है, और मैंने इन वाले डंबलों के लिए ये वाली कारपेट बिछा रखी है, जिससे कि ये लोग अगर डंबल पटके तो अपनी जमीन खराब ना हो। बाकी ये ट्रैश वगैरह फेंक जाते हैं, इतने घटिया लोग हैं ये। एक योगा मैट और ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और एक ये वाली मशीन और ले लेता हूँ। लेट्स गो, इन दोनों को लगवाते हैं। ओके मेंबरशिप लो मैम, आप तो फ्री में कर लो। ओके छोड़ो, फालतू बात नहीं करते गाइस, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। चलो अभी इसको अपन लगवाते हैं, एक योगा मैट को यहाँ पे, और एक ये वाली मशीन और है अपने पास जो कि लगने वाली है। ओके बिल्कुल सही लग रही है, बस लोग बाग एक्सरसाइज करें और पीछे की लोग पीछे वाली जगह पे लोग जा पा रहे हैं। मैंने मेरे को पता था भाई पीछे जा पा रहे हैं, और लोग बाग तो डायरेक्ट जा पा रहे हैं भाई, मैं तो इधर से फिर भी नहीं जा पा रहा, लोग बाग तो डायरेक्ट सीधे घुस जा रहे हैं अंदर। चलो बढ़िया बात है, बाकी यहाँ पे कुछ कम हो गया हो तो समान। भाई देख रहे हो कितना प्रॉफिट में रहे अपन यहाँ लगवाने में, यहाँ पे लोग कितना ले रहे हैं भाई, कितना सामान ले रहे हैं, देख रहे हो। एक झटके में अपनी पूरी वेंडिंग मशीन खत्म हो जा रही है, अभी भर के जाता हूँ और अभी खाली हो जाती है। चलो एक काम करते हैं, क्यों ना अपन जो वेंडिंग मशीन है एक और लगवा दें यहाँ पे, क्योंकि अपने को बार बार भरनी पड़ती है, इससे अच्छा लोग बागों को कुछ चाहिए होगा तो दूसरी मशीन में से ले लेंगे, और इसको भी अपन पूरा भर देते हैं, जिससे कि अपनी इन्वेंट्री में जो पड़ा है आइटम वो यूज आ जाए। लेट्स गो, मैंने सारा सामान भरवा दिया है इसके अंदर। भाई इसके अंदर ज्यादा जगह है शायद, एक सेकंड रुको, ये देखो इसके अंदर ये वाली जगह तो खाली पड़ी है पूरी। अच्छा ये मेरे पास है नहीं ना, इन्वेंट्री में नहीं है, ठीक है ठीक है। स्विमिंग पूल के लॉकर रूम में मैंने कुछ लगवा ही नहीं रखा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। वाओ, रुक जाओ भाई रुक जाओ, चलो भाई लेट्स गो, इन सबको लगवा के आता हूं। मेरे पास 60-70,000 डॉलर थे, मैंने कितना सारा खर्च कर दिया, लेकिन ठीक है। भाई तुम लोग कपड़ों में क्यों घुसते हो अंदर, घटिया लोग हो भाई। चलो ये अबे मैंने कैबिनेट्स और क्यों खरीद लिए, मेरे पास कैबिनेट पहले ही बहुत सारे थे, बताओ। कोई बात नहीं गाइस, ये चीजें अपन यहां लगवा देते हैं। बाकी लोग बाग आना स्टार्ट हो गए, देखो लोगों को इसी चीज की कमी पड़ रही थी। डन, मैंने इतने सारे कैबिनेट लगवा दिए, चार यहाँ पे है और दो पीछे हैं इसके। एक क्यों ना एक को हटवा दें अपन यहाँ से, अब सही लग रहा है, क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक हो रहा था भाई। बाकी लॉकर रूम में मेरे को थोड़े बहुत लॉकर कैबिनेट लगवाने हैं, एक दो यहाँ पे और दो गर्ल्स वाले में। चलो अभी मुझे लगवाना है चेंजिंग क्यूब्स, एक पांच, ओके दोनों में मैंने पांच पांच लॉकर रूम्स लगवा दिए। अभी मुझे चाहिए डस्टबिन, डस्टबिन कहाँ है भाई? ओके डस्टबिन तो मैं लेके ही नहीं आया, डस्टबिन और खरीद के लाने पड़ेंगे मेरे को। जब तक इनके में लगवा देता हूँ मैं बेंच, एक बेंच यहाँ एंड एक बेंच यहाँ। बचा शावर कैबिनेट जो कि सेम इसके बगल में आएगा और एक बॉयज वाले में आएगा। ओके शावर कैबिनेट और है मेरे पास, तो एक और लगवा देते हैं और एक और शावर कैबिनेट इस वाले के अंदर। ओके डन, शावर कैबिनेट में कितने लेके आया भाई मेरे को पता भी नहीं है, क्योंकि गाइस स्विमिंग पूल में जाने से पहले शावर लेना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं शावर कैबिनेट ज्यादा लाया था, बट मुझे ये नहीं पता इतने ज्यादा लिया है भाई मैं। ओके एक और बच रहा है, तीन तीन शावर कैबिनेट लगेंगे तीनों में, दोनों में। डन, अभी मुझे इधर की सीट वापस लगवानी है इधर, और
अभी कुछ कैबिनेट्स और रह गए मेरे पास, तो इनको भी लगवा देता हूँ मैं। एक डन, सेम इधर, एक दो, ओके गाइस डन। अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारे चेंजिंग रूम्स लगवा दिए और शावर कैबिनेट्स लगवा दिए, बाकी सेम इसके अंदर मैंने लगवा दिए बहुत सारे चेंजिंग रूम्स और शावर कैबिनेट्स। बाकी यहाँ पे अगर स्पा वगैरह खुलवा सकेंगे तो अपन खुलवा देंगे, अभी तो अपने पास ऑप्शन नहीं है इधर स्पा खुलवाने का। अपन चलते हैं इधर की साइड और देखते हैं क्या चल रहा है भाई। लोग बाग कस्टमर लोग आ रखे हैं और अभी तक बहुत सारे जा चुके होंगे मुझे पता है, क्योंकि यार मैं वहां काम में लगा हुआ था। बाकी गाइज ये जब जाते हैं ना तो इतना सारा पैसा देके जाते हैं भाई, मजा सा आ जाता है। बाकी ये लोग कल आके ठीक कर देंगे मशीनों को। ओके गाइज अभी अपनी जिम में से सारे लोग जा चुके हैं और अपनी एक्सपी अच्छी खासी बढ़ गई है, बस थोड़ा बहुत और बच रहा है, वो और बढ़ जाएगा कुछ टाइम बाद। और मैम आप यहीं रहते हो क्या, मेरी कर दो। चलो अरे छोड़ो इधर, ये तो लड़की वाला है ना, रुक जाओ एक सेकंड, लड़कों वाले रूम में चलते हैं। और इधर भी तो लड़की है, बात तो एक ही, कर दो मेरा, कर दो मेरे को मेरा स्पा कर दो मेरे। अरे गाइज मेरी जिम के अंदर मेरी बातें नहीं मान रही लोग, चलो बंद करो इसको, करो बंद। नागू लेट्स गो, तू यार बेचारा सोता सा रहता है। अरे बंद क्यों नहीं हो रही जिम? अच्छा अभी जिम बंद ही नहीं कर सकते, तो ये भाई घटिया लोग हैं। पहले जिम क्लोज लिखा हुआ आ जाता है, लोग बागों को पहले भगा देता। ओके अभी तो लोग बाग चेंजिंग रूम में है तभी जिम बंद नहीं हो रही है, मैं सोचूं क्या हुआ भाई, सब निकलो जल्दी जल्दी, जिम बंद करके चल जाता है इतनी देर में। मैं ऐसे मत किया करो बे, इतना लेट करते हो तुम लोग, कोई बात है ये? चलो मैम चलो जल्दी जल्दी चलो, ये तो मैंने देखा ही नहीं कि लोग अंदर रह गए। मैम चलो जल्दी चलो, बाकी अपनी टीवी वगैरह सब बंद कर दिए मैंने, अभी टाइम आ गया है अपना डोर क्लोज करते हैं एंड लेट्स गो नागू, चलते हैं फटाफट, आ जा भाई घर पे। अगले दिन अपने को बहुत सारा काम है क्योंकि अपनी एक्सपी बढ़ने वाली है, फटाफट से चलो, मेरे को बहुत बहुत इंतजार है भाई कल का। कल अपनी सेकंड फ्लोर खुलने वाली है अपनी जिम में, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। गुड मॉर्निंग गाइज, अगला दिन हो चुका है, फटाफट से चलो नागू बड़ी लेट्स गो, आ जा। मुझे शॉप से सामान भी खरीदते हुए जाना है क्योंकि मैंने सारा सामान अपनी वेंडिंग मशीन में डाल दिया है, तो एक एक करके मैं सारा सामान खरीदने वाला हूँ, ठीक है, जितना भी शॉप पे रखा हुआ है। एंड लेट्स गो, मैंने ज्यादातर सारे आइटम खरीद दिए हैं, ये जो मेरे पास है पहले से वो मैं एक एक बॉक्स ही खरीद रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये मेरे पास होगा। और ये तो मेरे को बहुत चाहिए पता नहीं, और इसका बॉक्स भी नहीं मिलता यार पता नहीं क्यों, ये एक एक पैकेट ही लेके जाना पड़ता है मेरे को यहाँ से, फिर भी मैं इसकी पूरी शॉप खाली कर जाता हूँ, थोड़ी देर में वापस रिफिल हो जाती होगी ये। चलो इसको खोलो और फटाफट से। अपना नागू कहाँ है भाई? नागू वेयर आर यू? ए नागू इधर आ, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर इधर बैठ जा नीचे। जब तक लोग बाग आते हैं उनसे पहले मैं ये सारी मशीनें फुल करवा देता हूँ जिससे कि उनको किसी चीज की कमी ना हो। एंड लेट्स गो, ये वाली मशीन मैंने पूरी भरवा दी, फिर भी पता नहीं यहाँ पे किसी चीज की तो कमी है, वो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, छोड़ो इस चीज को। अभी मेरे पास दो चार वेंडिंग मशीन और है, उसके अंदर भरवा के आंदो सामान थोड़ा बहुत। लो भाई क्रिएटिन भरो, कैपुचिनो चीज केक, BCAA बॉटल्ड वाटर बॉटल्ड। ओके मैंने ये वाली वेंडिंग मशीन भी पूरी भरवा दी है। और ये देखो यहाँ पे ना ये वाला सामान आएगा, क्या नाम है इसका, मसल मसल करके कुछ तो नाम है गाइस, ये लेके आने दो मेरे को, और लेके आना पड़ेगा ये वाला सामान, ये देखा नहीं मैंने कहाँ रखा था अपने शॉप पे। डन गाइस मैंने ये सब भरवा दिया है पूरा इधर भी, बस मेरे को एक ये चीज लानी है, देखो ये सेम टू सेम होनी चाहिए ऐसा कुछ करके। लेट्स गो, और लोग बाग आना चालू कर दिए अपनी जिम के अंदर, इन लोगों को मेंबरशिप बेचता हूँ भाई, बस आज के दिन अपनी लेवल 11 हो जाएगी फिर आएगा असली मजा। लेट्स गो फटाफट से एक बार मैं शॉप पे जाके आता हूँ, और शॉप पे मुझे चाहिए था ये। ओके ये नहीं है मेरे पास, ले लिए मैंने दोनों डब्बे ले लिए, बाकी और कुछ आया इधर? कुछ नहीं आया भाई, रिफिल ही नहीं करा इन लोगों ने इतनी देर में, तो मैं वापस खरीदने आ गया इस पे। चलो ये भर देता हूँ मैं इसके अंदर, ये लाया हूँ मैं नई चीज। ओके मसल प्रोटीन बार है, ये प्रोटीन बार है, खाओ भाई प्रोटीन बार खाओ तुम लोग, मस्त प्रोटीन ही प्रोटीन का आइटम मिलेगा तुमको यहाँ पे। एक इसके अंदर और भरना है मेरे को ये प्रोटीन बार, प्रोटीन बार भी गाइस मैंने रखवा दिया है पूरा। लेट्स गो, तुम्हारे पास किस चीज की कमी पड़ रही है भाई? इसको भरो पहले तो फुल, और इसको भी भरो फुल, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, और इसको कर दो। लेट्स गो, मैंने इसको पूरा भरवा दिया है मशीन को, सब कुछ सही कर दिया है, बाकी कस्टमर और आ गए और बस कुछ देर और भाई, कुछ देर और 1300 EXP हो गई है। इस टाइम मेरे पास 69,000 रुपीज है। और भाई ये DF कौन सी कंपनी की मशीन ले आया मैं? ये तो अभी आया, शायद अपडेट हुआ है गेम या फिर क्या, ये पहले नहीं लिखा हुआ था इन पे। ओके गाइस अपन स्टाफ के अंदर देखते हैं किन को हायर कर रखा है, किन को नहीं कर रखा अपन ने। तो अभी के लिए अपने पास स्पीड 4 वाले दो बंदे अपने पास, अच्छा ओके एक मैकेनिक है, एक बार वर्कर है, एक और मैकेनिक हायर कर सकते हैं बट कोई जरूरत नहीं है। एक सिक्योरिटी स्टाफ है अपने पास, बाकी एक क्लीनर, दो क्लीनर है अपने पास, एक सेकंड लेवल का, एक फोर्थ लेवल का स्टाफ अपने पास गाइस पूरा है। और एक कस्टमर आया अपने पास, लेट्स गो इसको दो VIP मेंबरशिप। और गाइस सिर्फ EXP फुल होने में 25 की बाकी, 25 बाकी भाई। ओके
लेट्स गो, 11 लेवल अपनी हो चुकी है और इसके अंदर अपने भाई 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 पैसा बचा के रखा था अपन ने, देखो कितना काम आया, 50,000, मेरे पास 74,000 इस टाइम। पर ये होम का ऑप्शन क्या आ रहा है पता नहीं, बट सेकंड फ्लोर इन 3, 2, 1 लेट्स गो। ग्रुप ट्रेनिंग क्या है ये, पहले मुझे देखने दो, ये मैंने खरीदा कहां, सेकंड फ्लोर। ओके, अपना नाम ऊपर शिफ्ट हो गया है, बट मुझे ये देखने दो ऊपर जाएंगे कैसे, ऊपर जाएंगे कैसे भाई, हैं वेयर इज द रास्ता। ओ गाइस शिट हो गया ये तो, इधर तो मैंने हक दिया थोड़ा बहुत, इधर से मुझे ऊपर जाना है, इसको पहले हटाओ, इधर से ऊपर चलते हैं और अपना सेकंड फ्लोर ये रहा, इसके अंदर ये रहे इसके लॉकर रूम्स। भाई बहुत सही, बहुत सही है, बट मेरे को अभी नीचे की सारी चीजें सही करनी पड़ेगी। ये देखो ये क्या हो गया भाई, मैंने टीवी वगैरह लगवा रखे थे इतनी बढ़िया तरीके से, सब कचरा हो गया, इसको हटवाओ यहाँ से। और मुझे थोड़ा बहुत पेंट करवाना पड़ेगा इधर, जो कि सेकंड फ्लोर खुलवाने में खराब हो गया था। चलो सही है, ये भी पेंट होगा क्या, ओ भाई अच्छा सीढ़ियां तो पेंट ही नहीं हो रही, ये क्या बात हुई, एक सेकंड देखने दो, सेकंड फ्लोर पेंट हो सकता है बट ये सीढ़ियां, सीढ़ियों वाला रास्ता पेंट नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं भाई, अब कितना सारा काम बढ़ गया अपने को, ये सेकंड फ्लोर में अपने को पेंट वगैरह करना पड़ेगा। रुको एक सेकंड यार, ये मेंबरशिप लेने वाले आ जाते हैं, एक तो इन मेंबरशिप वाले चाहिए, गाइस मेंबरशिप वाले चाहिए, इनको गालियां नहीं दे रहा, बट ये इनको अपने आप मेंबरशिप मिल जाए ऐसा कुछ जुगाड़ हो तो बताओ यार। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए ना इन टीवी वगैरह को ऐसे लगे रहने देता हूँ, सेकंड फ्लोर ऑन नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर मैं जाके पेंट वेंट कर देता हूँ पहले, फिर धीरे धीरे करके अपन सारी जो मशीनें हैं उनको रखवा देंगे। बाकी अपने पास कलर पड़ा है अच्छा खासा, तो क्यों ना कलर कर दें पूरे पे, लेट्स गो। और गाइज ये मैंने इतना एरिया पेंट कर दिया और मेरा पेंट खत्म हो गया, वरना मैं और कर देता। चलो नीचे चलते हैं और पेंट लेके आते हैं, बाकी कस्टमर वगैरह आ रखे हैं इनको दे देते हैं मेंबरशिप, वीआईपी मेंबरशिप लो सर आप। सेकंड फ्लोर पे मुझे पेंट करवाना था जो कि आधा अधूरा रह गया था। और यार यहाँ पे कांच नहीं लगवा सकते क्या, यहाँ भी वापस से कांच लगवा दूं तो मजा आ जाए। ओके गाइज मैंने इतना सा पेंट करा और मेरी दो बकेट खाली हो चुकी है यार, कितना पेंट लाना पड़ेगा मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा, मेरे को लगा था दो बकेट ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ठीक है ज्यादा नहीं हुई है बल्कि कम पड़ गई। ओके जितना सामान मैं खरीदता हूँ उतने कस्टमर आ जाते हैं भाई, ये हुई ना बात। लो भाई मेंबरशिप लो तुम, वीआईपी मेंबरशिप। ओके अभी मुझे पेंट खरीद लेने दो, और अभी मैंने दो बकेट खरीदे ना, एक सेकंड गाइस कुछ तो लोचा है, मैंने ये दो बकेट खरीदी यहाँ पे आई ए की, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। अरे यार मैंने दो बार अपने 500 रुपए खर्च कर दिए, यही तो मैं सोचू, मैंने दो बकेट खरीदी थी बट एक बकेट जितना काम क्यों हुआ ये, शिट गाइस पता नहीं वो दूसरी बकेट कहाँ गई, खरीदी तो मैंने दो थी। बाकी गाइस इसके अंदर पीछे की साइड भी कांच लगा हुआ है, सही है भाई पीछे की साइड भी पूरा कांच लगवा दूंगा मैं। और बस गाइस अगर अपना ये सेकंड फ्लोर लास्ट होगा तो अपन इसकी छत को कांच वाला बनवा सकते हैं, वो तगड़ा लगेगा यार। बाकी गाइस अपनी रेटिंग 100% हो चुकी है, तुम ऊपर देखो, इस पे मैंने फोकस नहीं किया था अभी देखा जस्ट मैंने, अपनी जिम की रेटिंग 100% है भाई 100%। ओके वापस पेंट खत्म हो गया, और ये देखो भाई लॉकर रूम भी बहुत सही लगेगा ब्लैक पेंट के साथ, मैं नीचे जा रहा हूँ ब्लैक पेंट और ले लूंगा बाद में करूंगा, रुक जाओ पहले मेरे को यहाँ पे कुछ सामान अगर मैं रख सकता हूँ अभी तो वो रखवाता हूँ। और अरे कस्टमर ही कस्टमर, क्या बात है भाई आ जाओ, वीआईपी सर वीआईपी लो, वीआईपी वीआईपी मेंबरशिप अपने पास जितनी तुम लेना चाहो उतनी मेंबरशिप ले सकते हो तुम। ओके आप बताइए वीआईपी मेंबरशिप, एक और मेंबरशिप मिल गई आपको। अभी के लिए गाइस मेरे को है ना ऊपर की साइड लगवाने कम से कम भी नहीं ना, तो 6 टीवी ले लिए, बाकी स्पीकर चाहिए दोनों के बगल में लगाने के लिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दोनों के बगल में लगवाने के लिए मैंने स्पीकर्स भी अच्छे खासे ले लिए हैं बहुत सारे। बाकी अपनी बॉक्सिंग केज खुलने वाली है बस कुछ देर और, रुक जाओ इस टीवी को भी मैं यहाँ से हटवाता हूँ और कहीं और लगवाता हूँ भाई, ठीक है इधर लगवा दूं क्या मैं, ये देखो मैंने 60 टीवी ले रखी है, एक मेरे को यहाँ लगवानी है, लग जा भाई क्या हो रहा है, लग क्यों नहीं रही, अबे गाइस ये टीवी लग क्यों नहीं रही है मुझे समझ में नहीं आ रही। ओके शायद इधर ट्रेडमिल रखी है इसलिए नहीं लग रही यार, ये इसको हटाओ और एक टीवी निकालो, बट टीवी से पहले मुझे यार ये एक स्पीकर लगवाना है कोने में, स्पीकर के बगल में टीवी लगेगा। ओके लग रहा है टीवी लग गया गाइस, एक टीवी इधर लगवाते हैं और इसके बगल में लगवाते हैं एक स्पीकर वापस से, लेट्स गो एंड डन गाइस। देखो ये थोड़ा स्पीकर नीचे लग गया यार अभी ठीक नहीं है, रुक जाओ इन दोनों स्पीकर्स को हटाने दो और इसको अब मुझे बिल्कुल यहाँ भिड़ा के, अभी लग रहा है ना गाइस मस्त टीवी एकदम बढ़िया। ओके मेंबरशिप लेने वाले आ गए हैं लोग, लो भाई स्टैंडर्ड मेंबरशिप लो तुम। और अभी मेरे को लगवाना है एक एसी जो कि लगेगा यहाँ पे, और ये वेंडिंग मशीन गाइस मैं यहाँ लगवाने वाला हूँ, ये जो बॉक्सिंग केज है ना इनको मैं लगवा के आने वाला हूँ ऊपर की साइड, अभी तुम देखते जाओ बस। इस मशीन को मैं इधर लगवाने वाला हूँ, ओके बिल्कुल इसके भिड़ा के, और इस एसी को भी वहीं लगवा देते हैं,
इसके बगल में जैसे कि पहले लगा हुआ था ये इधर। चलो भाई सही है, इसके अंदर सारा आइटम भरा हुआ है पहले से। क्या बात, अभी चलते हैं ऊपर की साइड और जो बॉक्सिंग वाला सीन है ना वो यहाँ लगवाने वाला हूँ, बट पहले थोड़ा बहुत निकालने दो सामान। कहा है भाई इक्विपमेंट्स? ओके ये रहे, अभी के लिए सिर्फ यही लगवा के जा रहा हूँ क्योंकि और कुछ है नहीं मेरे पास, खरीदूंगा फिर लेके आऊंगा। चलो दो इधर थे, दो लगवा दिए मैंने यहाँ। लोग बाग ऊपर आ तो सकते हैं, अभी ऊपर उनको खाली खाली लगेगा बट उस वो भी जल्दी भरने वाला है। बाकी अपना जिम क्लोज हो चुका है, जिम क्लोज होने से पहले मैं अपना जो पूल एरिया है उसके अंदर लगवाने वाला हूँ ये वाली छत। अबे कहाँ गई? अरे यार अब वो छत ही नहीं लगवा सकते। शिट गाइस, ऊपर सेकंड फ्लोर आ चुका है ना इसलिए अब वो छत ही नहीं लग रही है। अबे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो धोखा हुआ है गाइस अपने साथ, धोखा। बाकी गाइस अभी अपन ये जो स्पा वगैरह है ना ये लगवा सकते हैं सेकंड फ्लोर में, तो क्यों ना अपन दोनों जो लॉकर्स हैं गर्ल्स और बॉयज के उनके अंदर में ये लगवा दूं। एक एक तो लगवा ही देते हैं यार, एक फीमेल वाले में लगवा दो ये, ठीक है, और एक स्पा वाला लगवा देते हैं बॉयज में और एक स्पा वाला लगवा देते हैं गर्ल्स में। लेट्स गो, एक बार ऊपर देख के आ जाऊं मैं लगा है कि नहीं लगा ढंग से। ओके ये वाला बॉयज का है और बॉयज वाले में लग चुका है, एक और लग जाएगा वो इधर की साइड आएगा, ठीक है, और इसके अंदर भी लग चुका है, डन। गाइस इधर मैंने जो है गर्ल्स और बॉयज लॉकर्स में लॉकर रूम बनवा दिए। बाकी अपने पास अच्छे खासे रुपए पड़े हैं गाइस, इस टाइम मेरे पास 52,000 रुपीस पड़े हैं, ठीक है, तो क्यों ना मैं ये डबल डबल करवा दूं पूरा पूरा, मतलब 10 लगेगा यार लेकिन 10। ओके डन भाई, बहुत पैसा चला गया मेरा, मेल में तो बनवा दिया, फीमेल वाले लॉकर रूम में भी बनवाने पड़ेंगे। डन, स्पा वाला और खुलवा देते हैं। ओके मेरे पास सिर्फ $12,000 बचे, खत्म हो गया मेरा सारा पैसा। और बट ये देखो गाइस अपने यहाँ पे स्पा की सुविधा बहुत अच्छे से अवेलेबल है, स्पा ही स्पा है अपने यहाँ। लेकिन यार इन सबको इधर खिसकाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। जो एसी है ना उसको मैं लगवाने वाला हूँ इधर, और जो शावर कैबिनेट है उसको लगवा देते हैं अपन इधर। लेट्स गो, अभी सही लग रहा है। चलो भाई जिम क्लोज करते हैं, यहाँ से चलते हैं अपन अपना सेकंड फ्लोर। भाई क्या सही लग रहा है, पता है यहाँ पेंट नहीं करा हुआ वरना और डार्क होता ना भाई, क्या क्लासिकल लगता। बट अभी भी देखो इतना डार्क है, क्या सही लग रहा है, विटामिन बार अपना मस्त चल ही रहा है। बाकी यार मेरे को लगता नहीं अपनी जिम के अंदर और मशीनें लाने की जरूरत है, जितनी मशीनें इस फ्लोर पे है ना काफी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड फ्लोर पे मशीनें ला के रखेंगे, इस फ्लोर पे मशीनें नहीं रखने वाला। बाकी पेंट गाइस, पेंट नहीं हो रखा भाई, पेंट करना है मेरे को यहाँ। चलो अभी चलते हैं घर पे। नागुबाड़ी आ जा तू यार, वैसे ही बैठा रहता है इधर। बाकी गाइस एक यहाँ ये लिखा हुआ है कि बॉक्सिंग क्लब एट लेवल 7। अब मुझे ये नहीं पता है ये क्या चीज है भाई, मेरी लेवल 11 हो चुकी है, पता नहीं गाइस ये कहाँ पे मिलेगा मुझे, क्या है ये, क्या चीज है भाई। और यहाँ पे कुछ तो ये खोला हुआ है किसी ने, अच्छी अच्छी काट है भाई। सो के आते हैं अपन। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। चलो नागू बड़ी आ जा। गाइस इसको मैं घर पे इसलिए नहीं छोड़ के जाता, ये पता नहीं पीछे से कहीं गायब हो जाए, इसलिए इसको साथ में लेके जाता हूँ हर बारी। और गाइस क्यों ना थोड़ा बहुत शहर घूम के आया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक तो बॉक्सिंग वाली चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, हॉट ड्रिंक्स, गुड फूड, हॉट ड्रिंक्स ठीक ठाक बना हुआ है। ओके गाइस अपन यहाँ से जा ही नहीं सकते आगे, दिस इज गेम वाला रूल, कोई बात नहीं। अपने को क्या अपन चलते हैं फटाफट से अपनी शॉप कह रहा हूँ मैं, नहीं जिम पे भाई, जिम देख रहे हो तुम, नाजायस फिटनेस, छोटी मोटी फिटनेस नहीं है भाई, इंडस्ट्री बना दूंगा इसकी मैं। लेट्स गो, अभी मुझे देखने दो क्या कुछ नया खुला है। ये क्या था, ग्रुप ट्रेनिंग क्या है भाई ये बताओ मेरे को। अच्छा अपन ग्रुप ट्रेनिंग, अरे यार अपन ये ऊपर लगवा सकते हैं, जिसके लिए 20 लेवल रिक्वायर्ड है, इसके लिए भी 13 लेवल रिक्वायर्ड है। ओके गाइस ऊपर ग्रुप ट्रेनिंग होगी और जिसके लिए 13 लेवल रिक्वायर्ड है, कोई बात नहीं जब तक अपने पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। मेरे को लगा मैंने पैसा फालतू में वेस्ट कर दिया। ग्रुप ट्रेनिंग मैनेजमेंट अपन ऊपर खुलवाने वाले हैं आने वाले टाइम पे। बाकी अपनी वीडियो क्यों नहीं प्ले हो रही है भाई यहाँ पे? हाँ भाई वीडियो प्ले होनी चाहिए ना। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ये। चलो गाइस आज के लोग बाग आ जाएंगे, बाकी आज के लिए बस इतना ही। आज अपन ने अपनी जिम को और अपग्रेड कर दिया, अपने सेकंड फ्लोर खुलवा दिया अपनी जिम के अंदर। आने वाले दिनों में अपन वहां पे ट्रेनिंग सेंटर खुलवा देंगे, बाकी अपनी जिम कहां से कहां आ गई है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए।